दोस्तों इंडिया में ऐसी कौन कौन सी गाड़ियां हैं जिनको आपको पुरानी भी नहीं खरीदना चाहिए। जी हाँ, मैं उनके मॉडल वाइज बताऊंगा कि आपको ये गाड़ी खरीदनी क्यों नहीं चाहिए, जानते हैं इस वीडियो में। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। निसान टैना। निसान कंपनी की टैना जो है ये 2007 से 2014 वाला मॉडल जो है वो आपको खरीदना क्यों नहीं चाहिए। इस गाड़ी के एक तो स्पेयर पार्ट्स और हाई मेंटेनेंस है। इस गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स आपको महंगे मिलेंगे, बल्कि ना के बराबर ही मिलेंगे, और इस गाड़ी का हाई मेंटेनेंस है जिसकी वजह से ये गाड़ी आपको खरीदनी नहीं चाहिए। वैसे तो गाड़ी काफ़ी बेहतरीन और लग्जरी कार है, लेकिन इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसको खरीदते हैं तो आपको कम्फर्ट और लग्जरीनेस तो मिलेगा, पर इसके हाई मेंटेनेंस आपको ले डूबेगा। फिर आइए मित्सुबिशी कंपनी की लैंसर। इस गाड़ी का सन 2000 से लेकर 2007 वाला जो मॉडल है उसे खरीदना नहीं चाहिए। वैसे तो ये कार एक सेडान कार है और काफ़ी खूबसूरत कार है एक टाइम पर। इस गाड़ी के लिए आपको कोई सर्विस सेंटर नहीं मिलेगा और इस गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स भी आपको नहीं मिलेंगे। अब तो 2020 में मित्सुबिशी कंपनी की रोड पर भी गाड़ी ना के बराबर ही दिखी है। फिएट पुंटो। पुंटो का सन 2009 से लेकर 2013 वाला मॉडल खरीदना नहीं चाहिए। एक तो काफ़ी ओल्ड लगता है, वैसे तो काफ़ी बेहतरीन है ये कार इंडिया में। फिएट कंपनी की इंडिया में बहुत कम गाड़ियां बिकती हैं। वैसे तो ये कार लुकिंग में ज़्यादा अच्छी नहीं है और इंडिया में इसकी सेल्स काफ़ी कम होती है। इस गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस काफ़ी महंगा पड़ता है, यही कारण है इसको कम लोग खरीदते हैं। लेकिन इसका इंजन काफ़ी पावरफुल है, डीजल और पेट्रोल दोनों ही। फिएट लीनिया सन 2008 से लेकर 11 वाली मॉडल आपको खरीदनी नहीं चाहिए। वैसे तो ये सेडान कार है और काफ़ी लंबी कार है। इस गाड़ी की सेल्स काफ़ी कम होती है। अब तो 2019 और 2020 में इन गाड़ियों की सेल्स फिएट की सभी की ना के बराबर ही हुई है। एक तो इस गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स काफ़ी महंगे मिलेंगे और ना के बराबर ही मिलते हैं, और जिन जिन के पास ये गाड़ी है उन्होंने कंपनी में कंप्लेंट भी करी है पार्ट्स के लिए, इसलिए इस गाड़ी को खरीदना नहीं चाहिए, पुरानी को भी। वॉक्सवैगन जेटा। जेटा एक हाई परफॉर्मेंस वाली गाड़ी है। सन 2007 से लेकर सन 2011 तक जो मॉडल आया था इस गाड़ी का, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदते हैं तो आपके पास ज़्यादा पैसे होने चाहिए, क्योंकि इसका मेंटेनेंस और मेंटेन करने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए। इस गाड़ी में थोड़ी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स, हीटिंग प्रॉब्लम भी है, और इसके स्पेयर पार्ट्स एक तो महंगे मिलते हैं और ना के बराबर मिलते हैं। वॉक्सवैगन पोलो। पोलो कार तो बेहतरीन है, लेकिन पोलो में एक वेरिएंट है DSG, जैसा ऑटोमेटिक होता है वो है। इस गाड़ी में एक शिकायत है, इसका DSG वेरिएंट यानी कि डायरेक्ट शिफ्ट गेयरबॉक्स में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो गाड़ी का मेंटेनेंस भी हाई है, वरना ये गाड़ी काफ़ी बेहतरीन और पावरफुल हैचबैक कार है। एस्कोडा फैबिया। फैबिया कार का सन 2007 से लेकर 14 वाला जो मॉडल है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इस कार की इंडिया में सेल्स काफ़ी कम होती थी और रीसेल वैल्यू भी इस वजह से काफ़ी कम है। फैबिया कार का मेंटेनेंस काफ़ी हाई है, जिसकी वजह से इसकी सेल्स नहीं होती, इसके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते जल्दी से, और अगर मिल जाते हैं तो वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। सुजुकी कंपनी की किजाशी। किजाशी एक सेडान कार थी इंडिया में, सन 2009 से 2013 तक आई, उस मॉडल के बारे में बता रहा हूँ। ये गाड़ी काफ़ी अच्छी लुकिंग वाली कार थी। वैसे तो मारुति कंपनी की कार है, लेकिन गाड़ी पर भी डिपेंड करता है कि कितनी सेल हुई है कितनी नहीं। इस गाड़ी के पार्ट्स महंगे हैं सस्ते हैं? गाड़ी के पार्ट्स उसके सस्ते होते हैं जिस गाड़ी की सबसे ज़्यादा सेल्स होती है। ये गाड़ी इंडिया में फेल साबित हुई, क्योंकि इसके प्राइस काफ़ी ज़्यादा हैं और काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस है, स्पेयर पार्ट्स भी कॉस्टली हैं। ये गाड़ी इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होती थी, इसको बाहर से मैन्युफैक्चरिंग करके लाया जाता था, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट काफ़ी महंगी हो जाती थी। अब आइए हुंडई सोनाटा। सोनाटा कार का सन 2001 से लेके 5 वाला मॉडल जो है उसे खरीदना क्यों नहीं चाहिए। ये कार काफ़ी लोगों को अच्छी लगी थी। हुंडई ने इसकी कीमत, फीचर्स और लुकिंग के हिसाब से ठीक रखी थी, पर यह गाड़ी एक फ्लैगशिप यानी कि महंगी गाड़ी थी, और महंगी गाड़ियों का मेंटेनेंस भी महंगा ही होता है, और सोनाटा के पार्ट्स भी महंगे थे जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगे बैठ रहे थे। इस वजह से ये गाड़ी भी फेल साबित हुई।
और पुरानी लेने में इसलिए लोग बाग कतराते हैं। फिर आइए होंडा सीआरवी। सीआरवी कार का जो मॉडल है वो सन 2007 से लेके 2013 वाला है। ये कार अभी भी इंडिया में है पर आज भी इसकी सेल्स कम होती है। एक तो ये कार काफ़ी महंगी है, लेकिन मैं आपको सन 2007 से लेके 2013 वाला मॉडल बता रहा हूँ जिसका काफ़ी हाई मेंटेनेंस था और पूरी दुनिया में अच्छी खासी बिकती थी, पर इंडिया में ये ना के बराबर ही बिकी है। तो ये वो गाड़ियाँ हैं जो आपको बहुत सस्ती मिल जाएंगी, लेकिन इनको सस्ता लेके भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इनके पार्ट्स काफ़ी महंगे मिलेंगे इस वजह से।